दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजमगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों में से एक जिला है। इसका जिला मुख्यालय आजमगढ़ है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था और इसी कारण नाम आजमगढ़ पड़ा था। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का निर्माण किया गया। आजमगढ़ जिले में कुल मिला के 8 तहसीलें हैं, जो लालगंज, सदर, सगड़ी, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामाबाद, मार्टिनगंज व फूलपुर है। सबसे बड़ी तहसील निजामाबाद है। आजमगढ़ में कुल मिला के 22 ब्लॉक हैं, 10 विधानसभा हैं और 2 लोकसभा सीट हैं, 2 नगर पालिका व 11 नगर पंचायत भी हैं। दोस्तों, अब हम आपको आजमगढ़ जिला का इतिहास के बारे में बताएंगे। तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। आजमगढ़ गंगा और घाघरा नदी के मध्य बसा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह जिला मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर जिले की सीमा से लगा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से महाराजगंज, दुर्वासा, मुबारकपुर, मेहनगर, भवरनाथ मंदिर और अवंतिकापुरी आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र आजम शाह, जो एक शक्तिशाली जमींदार था, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान 1665 ईस्वी में आजमगढ़ की स्थापना करवाई थी। इसी कारण इस जगह को आजमगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्रमुख स्थल की बात करें तो महाराजगंज। छोटी सरयू नदी के तट पर बसा महाराजगंज जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजमगढ़ में राजाओं की नामावली अधिक लंबी थी, यही वजह है इस जगह को महाराजगंज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक काफ़ी पुराना मंदिर भी है। यह मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है। भैरव बाबा को देवतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव की पत्नी पार्वती दक्ष यजनवेदी में सती हुई थी। प्रत्येक माँ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मुबारकपुर। मुबारकपुर जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इस जगह को कासिमाबाद के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद इस जगह का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस जगह को दोबारा राजा मुबारक ने बनवाया था। यह जगह बनारसी साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इन बनारसी साड़ियों का निर्यात पूरे विश्व में होता है। अब बात करते हैं मेहनगर की। यह जगह जिला मुख्यालय से पूर्व दक्षिण में 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध किला है जिसका निर्माण राजा हरिवंश सिंह गौतम ने करवाया था। इस किले में एक स्मारक और सरोवर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इस सरोवर को मदिला सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। आप यह मेला जाकर देख सकते हैं। मेहनगर तहसील से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोंगरिया बाजार से लगभग आधा किलोमीटर की दूर पर पौहारी बाबा आश्रम के नाम से एक दार्शनिक स्थल है, जहां पर प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं रविवार को मेले का आयोजन होता है। पौहारी बाबा 19वीं शताब्दी के एक भारतीय तपस्वी और संत थे। विवेकानंद के अनुसार वे अद्भुत विनय संपन्न एवं गंभीर आत्मज्ञानी थे। उनका जन्म लगभग 1800 ईस्वी में वाराणसी के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में वह गाजीपुर के समीप अपने संत ब्रह्माचारी चाचा के आश्रम विद्या अध्ययन के लिए आ गए थे। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय तीर्थस्थलों की यात्रा की थी। अब बात करते हैं दुर्वासा की। यह स्थान फूलपुर तहसील मुख्यालय के उत्तर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह यहाँ स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने यहाँ आया करते थे। यहाँ के सिद्ध संतों में मोनी जी महाराज का नाम आदर से लिया जाता है। भवरनाथ मंदिर। यह मंदिर आजमगढ़ जिले के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भवरनाथ मंदिर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है।
माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगती है और मेले का आयोजन होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा ऋषि आश्रम की। जनपद मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम तमसा एवं सिलानी नदी के संगम पर चंद्रमा ऋषि का आश्रम है। अब बात करते हैं दत्तात्रेय आश्रम। यह निजामाबाद से 4 किलोमीटर दूर पश्चिम तमसा और कुंवर नदी के संगम पर स्थित दत्तात्रेय का आश्रम है। यहाँ पर पहले लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे। यहाँ शिवरात्रि के दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है। आजमगढ़ की जानकारी आपको यहाँ आने से ज़्यादा मिलेगी, अतः आप सब आजमगढ़ जीवन में एक बार जरूर आएँ। कृषि और उद्योग की बात करें तो चीनी की मिलें एवं वस्त्र बुनाई यहाँ का प्रमुख उद्योग है। कुछ समय से यहाँ अंडे का उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो जनपद को अंडे के मामले में संगठितन बना रहा है। पूर्वोत्तर रेल मार्ग से जुड़े आजमगढ़ का कृषि योग्य क्षेत्र उर्वरक है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती है। चावल, गेहूँ और गन्ना यहाँ का प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, वीडियो की समाप्ति हो चुकी है। अगर आप आजमगढ़ से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।